वेल हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम क्या हाल चाल मेरे भाई लोग दियर गाइस, आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ जंगे सिफीन बाय मौलाना सैयद अली रजा रिजवी द बैटल ऑफ सिफीन। एंड इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिनों से आ रही है, करीबन मेरे हिसाब से तो यार एक महीने से आ रही है इस वीडियो की रिक्वेस्ट। नाउ फाइनली आज मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल इस बैटल के बारे में नहीं पता, मुझे सिर्फ बैटल ऑफ खैबर, जो खैबर का जंग था उसके बारे में मुझे पता था, जो मैंने रिएक्शन भी करा इसके पहले, बट इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। मैदान सिफीन है, सामने 80,000 का लश्कर है और हर जबान पे बस एक ही नाम है। हर आदमी एक ही सवाल कर रहा है, हैदर कौन है? अब मैं जंग सुनाने वाला हूं। अल्लाह ने कहा जब मैं यकीन मानिए, जब मैं जंग पेश करता हूं तो खुद जनाब अमीर से तवस्सुल करके मेंबर पे आता हूं। मौला आपकी जब शुजात को पेश करूं तो हर आदमी महसूस करे हम आंखों से देख रहे हैं। मैदान सजा हुआ है, 80,000 का शामियों का लश्कर है, 80,000 का शामियों का लश्कर है, बड़े बड़े सूरमा उसमें मौजूद हैं, अपने तौर पे बड़े बड़े जंगजू भी हैं, शमशीर सन भी हैं, नेजाबाज भी हैं, बहुत से अफराद तीरंदाज भी हैं। हर जबान पे एक ही सवाल है, हैदर कौन भाई? ये जो सामने 20,000 की फौज है इनमें हैदर कौन है? हर आदमी बस शाम से आने वाला हैदर हैदर कर रहा था, डर गए थे बेचारे। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा। थोड़ा सा शाम में पहुंचाने से पहले पहले आपको जरा कूफे की तैयारी बता दूं। तो जनाब अमीर अलैहि सलाम ने कहा लश्कर का ऐलान कर दो, सिपा सालार होंगे मालिक के अश्तम। मालिक के अश्तम, एक और बात बता दूं, जनाब मालिक के अश्तम जवान आदमी नहीं थे, 60 साल से ऊपर थे, 70 से भी शायद ज़्यादा हों, लेकिन 60 से ज़्यादा थे मुतमइन हों, 60-70 बरस के आदमी हैं, जवान नहीं थे। और जमल में अश्तर इसलिए कहते हैं, मालिक इब्ने हारिस नखई अल अश्तर यमन के थे, जंग जमल में एक तीर लगा, आंख उनकी बम कट गई तो एक पट्टी बांधे रखते थे उसको होल्ड करने के लिए। अब पट्टी भी बांध रखी है, कमर पे पटका बांध रखा, ये पटका क्यों बांधा? का कमर सीधी करने के लिए, इसका मतलब है कमर सीधी नहीं थी, नहीं पहुँचा पाया, कमर सीधी नहीं है, लेकिन मौला ने फिर भी सिपा सालार बना दिया, क्योंकि मौला जानते हैं जो मौला का हुस्न इंतखाब हो वो शेर की निगाहें रखता। क्या बात। एक मरतबा जनाबे मालिक के अश्तर ने सर पे मामा रखा, खौल बांधा, अपने कमर पे पटका बांधा, सवार हुए, हाथ में अलम लिया, चलने लगे। कभी कहां जा रहे हैं? कब मौला के इस्तकबाल के लिए। इतने में जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम बैतुश शरफ से तशरीफ लाए, जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम आए, जो राविया कहता है मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, सफेद रंग का घोड़ा है, चेहरा पुर नूर है, दाढ़ी सफेद है, चेहरे का नूर अजीब और गरीब है। किसी आदमी ने आगे बढ़ के कहा या अली खिजाब कर लीजिए, खिजाब, कहीं ऐसा ना हो कि शाम वाले समझने लगे अली बूढ़े हो गए हैं। मौला ने एक मरतबा जलाल से देखा, कहा सुन, शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता है। तब वजह सब लोग के मेरे साथ। तो जाने गिरामी, जो अल्लाह का वली होगा उसमें खौफ नहीं होगा। तो एक मर्तबा जिसने भी कहा कि मौला खिजाब कर लीजिए, तो दाढ़ी स्याह हो जाएगी, कोई ये ना सोचे कि अली अपने बेचारे बूढ़े हो गए हैं। तो मौला ने एक मर्तबा देखने के बाद जवाब दिया, कहा शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। और फिर एक मरतबा मौला ने देखने के बाद कहा जरा मुझे मैदान में उतर लेने दो, फिर बताऊंगा मेरी ना हड्डियां बूढ़ी हुई हैं ना मेरी तलवार कुंद हुई है। वो जो बद्र उहद में ताकत थी अली आज भी वही अली है। अब सारे मन में कि तवज्जो मेरे साथ रहेगी, मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ, यकीन माने जितनी ताकत नहीं है वो ताकत लगा रहा हूँ, और आप हजरात की सिर्फ अकीदतों और मोहब्बतों की खातिर सुनना चाहेंगे ना सब हजरात। तो एक मरतबा जनाब अमीर ने कहा कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता। तो अब रावी कहता है मैंने देखा जनाब अमीर आए, अपने सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार हुए, लिजाम फरस में हाथ डाला, घोड़े का मालूम था सवार कौन है। मैं अपने अंदाज से पेश करूँगा,
घोड़े का मालूम है सवार कौन है, बड़े खरामा खरामा फखर के साथ सर उठा के चल रहा है। जानवर जानते थे नहीं पहुंचा सका, जानवर जानते थे सवार कौन है। तो अब अगर कोई नाना पहचाने मौला को तो फिर समझ लो जानवरों से बच्चा रहे। ऐजाने के नबी जनाब अमीर एक मरतबा अपने जुलजना पे सवार हुए, लजामे फरस में हाथ डाला तो एक मरतबा रावी कहता मैंने देखा जनाब अमीर ने घोड़े को एड़ लगाई चलने लगे, क्या पीछे दो तरफ दो और शहजादे थे। का फैसला करना मुश्किल हो रहा था खूबसूरत ज्यादा कौन। क्या दोनों के नाम थे हसन हुसैन, जिनके नाम ही हुसन से हो। कहा दोनों अपने अपने जगह पे दोनों घोड़ों पे सवार हैं। कहा ये अफराज सवार हैं। कहा दो और जवान थे, एक नौजवान था और एक जवान था। कहा एक सामने चल रहा था एक पीछे, दोनों के हाथों में परचम थे। जो सामने चल रहा था सवार नहीं है, चल रहा था। पूछा ये कौन है, का नाम मोहम्मद हनफिया। और ये जो ऐन घोड़े के पीछे चल रहा है परचम लहराता हुआ बड़ी बड़ी आंखों वाला, का इसका नाम है अब्बास। एक मरतबा अली अपने बेटों के साथ चले, हैबत हैदर कर्रार थी, सुनेंगे ना हजरा, हैबत हैदर कर्रार। मौला चले का सिफीन जाना है, पहुंचे 80,000 का लश्कर शाम वाला लेके आया, वो खुद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुतबरा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, तो वो खुद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा था। 80,000 का लश्कर था। तो जाने के नाम एक मरतबा सारे के सारे एक ही सवाल कर रहे थे, हैदर कौन है, हैदर कौन है? तो अब सब के सब परेशान है, हैदर कौन, ये हैदर ही से सबको क्यों खौफ है। तो ये पता चला कि जो अल्लाह के वली होते हैं ना सिर्फ ये कि उनके दिल में खौफ नहीं होता, उनका खौफ हर काफिर और मुनाफिक के दिल पे होता। सही बात है, ट्रू ब्रो। ऐजाने किराम सारा मजमा चलता रहे किसी तरह से मेरे साथ। तो एक मरतबा हर आदमी सवाल कर रहा था, हैदर कौन है, हैदर कौन है, कभी आने वाले। एक मरतबा जनाब अमीर अलैह सलाम आए नजारा करने के लिए। कहा मौला आज आप घोड़े पे सवार हैं, हर जंग में आप जमीन पे लड़े हैं, नहीं पहुंचा पाया, हर जंग में आप जमीन पे लड़े हैं। यहां तक कि हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, कहा बाबा मैदान जंग में आपको कहां पाऊंगा, कहा बेटा जहां छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। बेटा मुझे जहां छोड़ के जाओगे ना मुझे वहीं पाओगे, ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूं ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूं, मैं जहां खड़ा होता हूं जमीन में जैसे गड़ जाता हूं, जिसकी मौत आती है वो खुद ही मेरे सामने आ जाता है। आप समझा, मैं अपने अंदाज से कहूं, मौला ने फरमाया जिसकी मौत आती है वो मेरे सामने आता है, मैं जुल्फिकार का सदका उतार देता हूं। चलते रहेंगे इसी तरह से, मैं पूरा खून जिगर दे रहा ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि सारी जंगें मालूम होने चाहिए कि हमारा अकीदा क्या है अपने आइम्मा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक। तो अब सब के सब कहा कि मौला हर जंग में आप मैदान जंग में खड़े होकर जमीन पे लड़े हैं, यहां तक कि खंदक में आपने कहा था जमीन पे आ जा, और जमीन पे लड़ने का मतलब होता है या तू नहीं या मैं नहीं। यस, मौला अपनी जगह खड़े रहते थे। और अगर आप जाएं ना तुर्की इस्तांबुल के अंदर, क्योंकि मदीने वालों ने सारे के सारे जो आसार थे वो कहा कि जो लेके जाना चाहता ले जाए, आसार दुनिया बचा रही है और ये बर्बाद कर रहे हैं। मैं बहुत सोचता था ये सारे आसार क्यों दूसरों को दिए चले जा रहे हैं आले सऊद, फिर मैंने सोचा मैंने कहा इनके अजदाद का तो कोई असर है ही नहीं। तो इंसान अपने अजदाद के असर बचाता है। तो एक मरतबा वहां पे इस्तांबुल जब जाएंगे ना तो वहां तलवारें लगी हुई हैं, बहुत सी तलवारें लगी हुई हैं, बहुत से लोगों की बहुत सी तलवारें। तो अगर आप तलवारें देखेंगे ना तो इस मिंबर के बराबर इतनी इतनी ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची तलवारें, बहुत लंबी लंबी तलवारें, और जनाब अमीर अलैहि सलाम की तलवार बहुत बस इतनी तलवार है, एक मेरे बाजू से थोड़ी सी लंबी तलवार होगी, और बाकी सारी तलवारें बिल्कुल नई। नहीं मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था, इस्तेमाल ना शुदा।
अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की तलवार देखेंगे, तलवार भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, और अगर आप देखेंगे तो उस पर जगह जगह निशान पड़े हुए हैं। तो अब ये परेशानी की बात, भाई इतनी इतनी लंबी तलवार है तो मौला भी लंबी तलवार रख लेते। अजान ग्रामी, लंबी तलवार लड़ने के लिए ना पीछे हटना पड़ता, यस सच में, और छोटी तलवार से वार करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता। ये सच है। अगर पहुंच रहे हो और कुछ ना कहलाइएगा, ब्लॉकिंग के लिए होता है बड़ी तलवार। सलाम आए सिफीन के मैदान में पहुंचे, अब सब के सब एक ही सवाल कर रहे हैं, हैदर कौन है? हर जंग में मौला जमीन पे, यकीन मानिए मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं, एक नक्शा पेश करूंगा, कुछ देर के लिए मैं यहां नहीं रहूंगा, मेरी निगाहों के अंदर कुछ और मंजर है, ऐ काश मैं वो पूरा मंजर आपको दिखा सकूं जो मेरी निगाहों में चल रहा। खुदा की कसम मेंबर पे हूं, कोई मुबालगा नहीं कर रहा, मैं निगाहों से देख रहा हूं, कुछ नजर आ रहा है आपके सामने पेश करूंगा, अगर आप पहुंच जाए तो फिर यहां नहीं रहेंगे, मेरा आपसे वादा, आप भी मेरे साथ नजफ में होंगे। अजीजाने गिरामी, अब सारा लश्कर एक ही सवाल कर रहा है, 80,000 अफराद, हैदर कौन है? कभी आने वाले हैदर कौन है, हैदर कौन है? इतने में एक सवार, दाढ़ी सफेद है, अमामा स्याह है, अबा कबा ज़ेब तन है, किसी ने कहा याली जिरा पहन लीजिए, क्या मुझे जिरा की जरूरत नहीं, मैं कुर्ते ही में लड़ूंगा। तो एक मर्तबा किसी ने इमाम हसन मुश्तबा से कहा, कहा आपके बाबा ने जिरा नहीं पहनी। तो अब यहां तारीखी जुमला है जो मैंने सारा ये सारा वाकई से एक जुमले के लिए सुनाया कि जो अल्लाह का वली होगा उसमें खौफ नहीं होगा। एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा ने कहा बाबा सब पूछ रहे हैं आपके बाबा ने जिरा नहीं पहनी, ये जो आज आपके साथ लड़ने आए हैं पहली जंगों में नहीं थे। तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि या हसन, ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ हसन मुश्तबा, आपके बाबा को परवाह नहीं है कि वो मौत पे जा पड़े या मौत उस पे आ पड़े, मेरे लाल जिरा वो पहनता है जो बचना चाहता हो। मैं अपने अंदाज से कहूं, अली वो है जिससे मौत फरार करती है। बात अजाने के रामी, जनाबे अमीरुल मोमिनीन एक मर्तबा मैदान में आए, और मैं अपने अंदाज से पूरा पेश कर रहा हूँ, बल्कि चंद जुमले में इस तरह से पेश करूंगा कि जनाब अमीर ने विलायत की कबा ओढ़ी होगी, इस्मत की अबा ओढ़ी होगी, इमामत का सर पे अमामा रखा होगा, तवल्ला की तस्बीली होगी, तबर्रा का तलवार लेके चले होंगे, जैसे ही मौला मैदान में आए जमीन कदमों के बोसे दे रही होगी, जुलजना इंतजार में होगा मेरा सवार आ जाए, सारा लश्कर इंतजार में होगा हैदर करार आ जाए। अब सबके सब देख के सवाल कर, हैदर कौन है? कभी आने वाले। एक मर्तबा मेरे मौला अपने जुलजना में सवार हुए, कहा बेटो मेरे शेरो आज देखना बाबा कैसे लड़ते हैं, आज जनाबे अब्बास, जनाबे मोहम्मद हनफिया, इमाम हसन हुसैन सबके सब खड़े देख रहे हैं कि जनाबे अमीर कैसे लड़ेंगे। कहा सबके सब तैयार हो जाओ। सारा लश्कर 20,000 का एक तरफ खड़ा, जनाबे अमीर ने एक मर्तबा देखना शुरू किया, सबने एक मर्तबा इशारा किया, कहा वो जो सामने दो मुंह की तलवार चमक रही है, जिसके हाथों में वो तलवार है वही हैदर करार है। रुक जा। मुझे पूरा यकीन है नारा जरूर आएगा, मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ, सारा मजमा मेरे साथ हो, मैं पूरा खून जिगर देके पेश करूंगा। एक मर्तबा सबने देखना शुरू किया, क्या वो जो जुल्फिकार दो मुंह वाली तलवार का, हाँ वही हैदर करार। जनाबे अमीर ने तलवार को खींचा, एक मर्तबा अपनी फौज से कहा सब रुके रहो अकेला जाऊंगा, कहीं उनके जहन में ये ना आ गया हो अली बूढ़ा हो गया है। एक मर्तबा मौला ने तलवार खींची, अपने सुलझना से कहा मुझे लश्कर के आखिर तक पहुंचा के वापस ला। अब लग ये रहा था सुलझना दौड़ नहीं रहा, उड़ रहा है, बहुत तेज होगा, बहुत तेज, अभी नारा नहीं आएगा। एक मर्तबा मौला ने तलवार खींची, जहां से गुजरते थे जाते थे आते थे हर जगह जमीन पे सर नजर आते थे। क्या बात। एक आदमी ने सवाल किया, कहा याली ये तलवार तो रुकी हुई है, सर कैसे उतर रहे हैं? कहा आज जुल्फिकार को रोक रहा हो। मैं मुकम्मल करना चाहता हूं, मैंने बात मुकम्मल नहीं की है, अगर चलते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। एक मर्तबा का मौला तलवार रुकी हुई है लेकिन सर जमीन पे गिरते चले जा रहे, जहां से आप गुजरते हैं, जहां से आपकी सवारी गुजरती है जमीन पे सर ही सर नजर आते हैं। तो मौला ने कहा आज मैं जुल्फिकार को रोक रहा हूं,
जुल्फिकार जलाल में मैं अली के हाथों में हूँ। अब जहां से गुजरते सर ही सर उतार देते। एक मर्तबा सारे के सारे मजमे में हैदर हैदर होने लगा, सब के सब अलमान अल हफीज कहने लगे। अब कुरान की आयत मेरे नजरों में आई, सूरह तौबा की आयत है, वयुअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह अपने दुश्मनों पे तुम्हारे हाथों से अजाब नाजिल करेगा। आज अल्लाह सुभानहु ताला दिखा रहा है मुनाफिकीन और कुफार को कि कोई हैदर करार मैदान में है। यकीन मानिए जितनी मुझ में ताकत थी मेरे सीने में, मैंने उससे ज्यादा आपकी खिदमत में पेश की है। एक तरह से यार उनका खौफ दिखाया गया इस वीडियो के अंदर में, जो कि यस बहुत अच्छा वीडियो था। एंड मुझे बहुत हंसी आ रही थी उन लोगों पे जो कह रहे थे बार बार हैदर कौन है, हैदर कौन है पूरे वीडियो के अंदर में। जब मतलब वो अपने घोड़े पे सवार होकर चले एंड वही अपना जुल्फिकार लेके, जुल्फिकारी के उनके तलवार का नाम है आई थिंक जो दूमे वाला है, एंड जुना आई थिंक कहते हैं उनके घोड़े को, मैं सही नाम दे रहा हूँ माफ़ कर देना। जब वो चले तो जब वहाँ के लोग पूछते भाई कि मतलब मार भी नहीं रहे लेकिन मुंडी नीचे कट के गिर रही है, मतलब बहुत तेज़ी जिसे कहेंगे ना एकदम तेज़ी, एंड वो उस वक्त वो नहीं मार रहे थे, उनका तलवार काम कर रहा था। ये इनका कहना था कि आज मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा तलवार लड़ रहा है, मेरा जुल्फिकार लड़ रहा है। एंड वही बताया, एंड एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से जिसे कहते ना कि एक खौफ, भाई साहब बहुत खौफ। जब लोग वहाँ पे आए तो वो वही कह रहे थे कि आखिर हैदर कौन है। मतलब यस, जो इनका पढ़ने का तरीका ही बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। एक तरह से उस जो कहते हैं ना कि हर एक जो बंदा होता है ना, समझ लो एक जंग चल रहा है तो वहाँ पे हर एक बंदा है, जो हर एक बंदा बातचीत कर रहा है, तो उस चीज़ को उठा के भाई वो पेश कर देते हैं एंड उस मूवमेंट को एक अलग ही अंदाज से बयान करते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत बहुत जबरदस्त लगता है। एंड सच बता रहा हूँ, जो खौफ उन्हें उस वक्त वहाँ लगाऊंगा जो मुझे यहाँ सुन के हंसी आ रही थी सच में, वो लोग मतलब किस तरह से मतलब रिएक्ट कर रही थी, आखिर हैदर कौन है, आखिर हैदर कौन है, तो उस वक्त उस चीज़ को सोच के मैं बहुत भी हंसी आ रही थी कि भाई क्या डरपोक लोग, इतना डर रहे थे यार, इतना डर रहे थे। मतलब तुम सोच सकते हो कि यार सामने वाला कितना ताकतवर है, मतलब जो मौला अली अलैहिस्सलाम वो कितने ताकतवर होंगे, उनसे लोग इतना खौफ खा रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत सिंपल सी बात है ब्रो। एंड यस, जंग ए सिफीन, तो सही था ये सिफीन आई थिंक कोई प्लेस है, वहीं का ये लड़ाई है मेरे ख्याल में। शाम के लोग थे एंड मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ उनके दो बेटे थे साथ में, इसको मजलिस कहते हैं। तो यस, जिस अंदाज में उन्होंने सुनाया ब्रो, नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये इन्होंने एक लाइन कही थी कि मेरे आंखों के सामने वो एक पूरा मंजर आ गया, वो पूरी पिक्चर आ गई, इमेजिनेशन जिसे कहते हैं ना, दिमाग में छप गया, मेरे दिमाग में छप रहा था ब्रो। एंड इसी प्रकार से समझ में आता है, एंड सच में अगर किसी को कुछ भी समझाना है, लाइक अपने कॉलेज या स्कूल के जो सर होते हैं ना, मतलब हर कोई सही नहीं होता है, कुछ लोग ही सही रहते हैं जो एक एग्जांपल देके समझाते हैं एंड तब जाके समझ में आता है। तो बिल्कुल उस प्रकार से जिसे कहते हैं एक मुर्शिद कहते हैं तुम्हारे लैंग्वेज में, जो मुर्शिद यानी टीचर होता है, तो ये एक प्रॉपर टीचर मुझे लगे, टीचर जैसे लगे, जो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझाया उस चीज़ को, उस जंग को, जंग सिफीन को। उतना मतलब पूरा तो नहीं था इसमें कि मतलब आगे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन यस बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बताई, देन बीच में उन्होंने कुछ और समझाया, लेकिन फाइनली टॉपिक पे आए। वो होता है मतलब वो करना ज़रूरी है, मतलब कुछ मतलब टॉपिक से बाहर जाके बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए वो सब करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। क्या दैट्स इट, पूरी खौफ दिखा दी, पूरी ताकत दिखा दी हैदर करार। बाय बाय टाटा, एंड वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।